तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास ट्वेल्थ का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो मिड टर्म का पेपर होने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर हम लोग देखने वाले हैं। काइंड ऑफ आप इसको एक क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं, जो आपका 19 अक्टूबर को, जी हाँ बच्चों 19 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है 19 अक्टूबर 2022 को, तो उसके लिए हम लोग इस पेपर को करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर आने वाला है वो पेपर कैसा आने वाला है, किस फॉर्मेट में आएगा, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है, यानी हार्ड रहने वाला है, इजी रहने वाला है या फिर मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मिड टर्म का सैंपल पेपर हम लोग कर रहे हैं 2022-23 के लिए। क्लास ट्वेल्थ है हमारा और सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, जिसका सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 301 यानी 301 होने वाला है। ठीक है, और ये जो इंग्लिश का आपका पेपर होगा ये 3 घंटे का होगा, यानी जो टाइम अलाउ किया जाएगा वो 3 आवर्स किया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहने वाला है वो 80 रहने वाला है, यानी 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, थोड़ा सा सामान्य निर्देश यानी कि जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं उसको देख लेते हैं। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करके समझ जाते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर का फॉर्मेट किस टाइप का होने वाला है। ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या बता रखा है, यहाँ पर बताया हुआ है कि 15 मिनट प्रायोर रीडिंग टाइम अलाउड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग, यानी कि 15 मिनट का जो टाइम है वो आपको अलाउ किया जाएगा जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। वैसे तो आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का पेपर है, लेकिन 3 घंटे को छोड़ करके 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको एक तरह से दिया जाता है जिसमें कि आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको रीड कर सके बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके जो एग्जाम लेने वाले एग्जामिनर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उन टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट देखिए अगले पॉइंट में क्या बता रखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर, कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शंस रीडिंग राइटिंग एंड लिटरेचर, यानी कि ये जो हमारा इंग्लिश का पेपर होगा ये 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, रीडिंग का सेक्शन, राइटिंग का और लिटरेचर का। ठीक है, यानी कि वही सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। रीडिंग का सेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एमसिंग पैसेज वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, राइटिंग का सेक्शन कौन सा होगा, जिसके अंदर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी माना जाता है हर एक बच्चे के लिए, जिसके अंदर आपसे नोटिस, एडवर्टीजमेंट या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला जो सेक्शन सी रहेगा आपका वो रहेगा लिटरेचर वाला सेक्शन, जिसके अंदर आपसे बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके आगे देखिए क्या बता रखा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि आप जो भी क्वेश्चन नंबर लिखते हैं उसको अच्छे से लिखिएगा अपने आंसर शीट के अंदर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है मिड टर्म का जो 19 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने पेपर को शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया बच्चों कि आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन होने वाले हैं, एक तो रीडिंग का, एक तो राइटिंग का और एक लिटरेचर का। ठीक है, तो जो सेक्शन ए होने वाला है आपका, ठीक है, वो सेक्शन जो रहेगा वो हर बारी चेंज होकर के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए आपको दिख रहा होगा जो रहता है आपका रीडिंग स्किल्स का सेक्शन, 20 मार्क्स का सेक्शन रहता है ये। ठीक है, जो कि हर बारी चेंज होकर के आता है, तो कोई फायदा नहीं है इस सेक्शन को हम लोग पूरा अगर टाइम दे करके भी करते हैं तो, लेकिन फिर भी मैं इसका जो फॉर्मेट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये सेक्शन आपका कैसा आने वाला है। बाकी जो सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी देखते हैं सेक्शन ए का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका। देखिए सेक्शन ए जो रहेगा आपका रीडिंग स्किल्स वाला ये 20 मार्क्स का आने वाला है, यानी 20 नंबर का टोटल ये सेक्शन आने वाला है। इसके अंदर देखिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से रहेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, और वैसे जिन बच्चों को नहीं पता ये वाला सेक्शन मैंने ऑलरेडी समझा रखा है जब मैंने आपका बोर्ड का भी पेपर डाला है इंग्लिश का उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको समझना है मतलब पूरे क्वेश्चन देखने इसके अंदर के तो जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी मैं फॉर्मेट आपको बताता चलता हूँ इसका।
यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 10 नंबर का, यानी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इस टाइप का ना कुछ आपको दे देगा, पैसेज दे देगा। ये पैसेज कहीं से भी उठा करके दे सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है आपका, जो अभी करंट टाइम में चल रहा है वो चीजें भी दे सकता है, जैसे COVID-19 या कह लीजिए यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है, वो सारा चीज उठा करके भी दे सकता है। तो आपको क्या है, अगर आपको ये सेक्शन अच्छे से अटेंड करना है तो आपको प्रैक्टिस रोज करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस टाइप का ये पैसेज दे देगा, इसको आपको पढ़ना होगा पूरा पूरा। आप इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, देन इसके बाद आपसे यहाँ पर जो इस साल आपका क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड ज्यादातर आने वाला है सेक्शन ए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ भी है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो एक एक नंबर के अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट है सेक्शन ए का, इसी तरह से सेम फॉर्मेट में आपका मिड टर्म का सेक्शन ए आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस टाइप का आपका सेक्शन ए आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके एक एक नंबर के, तो 10 नंबर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट सेक्शन ए के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का रहेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड जो है सो कि आंसर आपको देना है पैसेज को रीड करके। तो ये भी 10 नंबर का पैसेज आएगा, यानी टोटल 20 नंबर का पैसेज आपका आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से ये पैसेज आपका आया हुआ है और इससे रिलेटेड जो है सो कि आपसे क्वेश्चन आप पूछेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो इस टाइप से देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वगैरह भी आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 10 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक नंबर वाले, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे हैं और देन आपको आंसर देना होगा, पैसेज के अंदर से ढूंढ ढूंढ करके आंसर देना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सेक्शन ए जो होता है ना, उसको लास्ट में अटेंड किया कीजिए। ठीक है, लास्ट का आधा घंटा या एक घंटा निकालिए, उसमें आप अटेंड कीजिए, आपका बहुत टाइम बचेगा और अच्छे नंबर भी आएंगे, क्योंकि लास्ट में आपका माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और लिखने की जो स्पीड होती है ना, वो भी आप समझ लीजिए बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लास्ट में अटेंड करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए था बच्चों, और अब हम लोग जो सेक्शन देखने वाले हैं वो सेक्शन बी देखो। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको आप क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाला सेक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमसे ग्रामर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूछे जाएंगे, और ये जो सेक्शन रहेगा आपका ये 20 मार्क्स का रहने वाला है, 20 नंबर का ये सेक्शन रहने वाला है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर वही बेसिकली हमसे नोटिस वगैरह पूछेगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो होता है, लेटर वगैरह जो होता है, आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस सेक्शन के अंदर हमसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेक्शन बी में देखिए, तीसरे का पहले में यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि अटेंड या कह लीजिए अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यहाँ पर आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि आपको ए और बी में दो क्वेश्चन दे दिया है चॉइस करके, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है या कह लीजिए कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है कि ड्यू टू एक्यूट वेदर शॉर्टेज दिस समर यू आर कंसर्न अबाउट एडवाइजिंग द रेजिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी फॉर सेविंग वाटर एज प्रेजिडेंट RWA ए ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू मेक द रेजिडेंट्स अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम एंड सजेशन मेजर्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप वसंत कुंज दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, और सभी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन सबको आपको क्या करना है, एक तरह से अवेयर करना है, क्योंकि अभी क्या हुआ है समर के अंदर जो है आपका पानी की बहुत कमी हुई है। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको अवेयर करने के लिए एक नोटिस लिखना है 50 शब्द के अंदर, 50 वर्ड्स के अंदर जो है सो कि ये लिख देंगे आप तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने इसके नीचे वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको चॉइस दे रखा है, ऊपर वाला क्वेश्चन करना चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला करना चाहे तो नीचे वाला कर सकते हैं। तो मैंने इसके नीचे वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है बच्चों। ठीक है, इसके नीचे देखिए क्या है क्वेश्चन, कि इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ RWA मयूर विहार दिल्ली राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनफॉर्मिंग ऑल द रेजिडेंट्स अबाउट द पावर कट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर सीकिंग देयर कॉपरेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप RWA मयूर विहार दिल्ली के हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि मीटर लगाया जा रहा है। ठीक है, मीटर कौन सा मीटर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है
कि पावर कट होने वाला है, बिजली की कटौती की जाने वाली है। तो इसके लिए आपको वहां के जो रहने वाले निवासी है, जो लोग हैं, उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अब भाई जाहिर सी बात है ना, कोई भी चीज आप काम करने वाले हैं एक मोहल्ले या एक कॉलोनी के लेवल पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये काम होने वाला है, आपके यहाँ बिजली कटने वाली है। ठीक है, सपोज डैट आज मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ का पूरा दिन बिजली कटा हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे इधर एक कॉलेज है, वहां पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा था, इसलिए पूरे दिन बिजली कटी हुई थी। मैंने तुरंत कस्टमर केयर को कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ आपके यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, तो यही चीज होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि आपको इन्फॉर्म करना है जनता को। ठीक है, मैंने तो कस्टमर केयर से नॉलेज ले ली, लेकिन आम जनता को तो कस्टमर केयर पता नहीं है ना, जो कम पढ़े लिखे हैं या कह लीजिए ज्यादा लिटरेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको इन्फॉर्म करना है कि बिजली की कटौती होने वाली है। ठीक है, तो कैसे आप इन्फॉर्म करेंगे, आपको एक नोटिस लिख करके इन्फॉर्म करना है। अब नोटिस कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए मैंने नोटिस लिख करके दिखा दिया है। इसको समझने से पहले आप नोटिस का फॉर्मेट समझ लीजिए, क्योंकि देखिए नोटिस का अगर आप फॉर्मेट समझ लेंगे तो किसी भी टाइप का जो नोटिस आ जाए आपके सामने इजीली आप लिख सकेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नोटिस का फॉर्मेट है। ठीक है, नोटिस के फॉर्मेट में क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मेट होता है ये। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ऊपर आपको नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी या फिर स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी अथॉरिटी है या स्कूल है या ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नोटिस को जारी कर रहा है, उसका नाम लिखना होता है बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर। उसके बाद आपको कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना होता है। फिर आप नीचे आएंगे तो उसके बाद आप टाइटल या हेडिंग लिख सकते हैं कि किस चीज के ऊपर होने वाला है। जैसे अभी जो हम लोग नोटिस लिखने वाले हैं वो पावर कट के ऊपर लिखने वाले हैं। उसके बाद आपका डेट आएगा, यानी कौन से डेट का आपको जो है सो कि नोटिस लिखना है कि इस तारीख को ये चीज होने वाला है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर डेट दिया हुआ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखा है, जैसे अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें डेट नहीं दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हैं। उसके बाद आपका नोटिस का मेन बॉडी आ जाएगा कि इट इज हेयर टू इन्फॉर्म, इस तरह से करके जो लाइन आती है वो वाला लाइन आप लिख देंगे। और फिर वही इवेंट क्या है, आपका डेट, टाइमिंग, वेन्यू क्या होने वाला है, चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं। ठीक है, ये सब ध्यान में रखते हुए अपना मेन बॉडी तैयार करना है नोटिस का, बीच का जो कंटेंट होता है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और जो डेजिग्नेशन है, जो आपका पद है, वो इस तरह से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा फॉर्मेट होता है जो कि आपको हर जो नोटिस आप लिखते हैं उसमें आपको अप्लाई करना होता है। इस फॉर्मेट के ही आपको जो है एक दो नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नोटिस कैसे लिखना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया पहले उस अथॉरिटी का नाम आएगा, तो यहाँ पर कौन सा था हमारा, RWA अथॉरिटी का नाम था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मयूर विहार दिल्ली। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद कैपिटल लेटर में यहाँ लिख दिया नोटिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक डेट डालनी होगी आपको, क्वेश्चन में तो डेट दे नहीं रखा है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया April 7, 2022 लिख दिया। फिर यहाँ पे हमारा आएगा जो टाइटल था या टॉपिक था, हेडिंग जो था वो था हमारा पावर कट, पावर कट होने वाला है जाहिर सी बात है। फिर अब हमारा जो नोटिस होगा उसका मेन बॉडी आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी दैट देयर विल बी अ पावर कट फॉर जो है सो की 4 आवर ऑन जो है सो की 8th August 2021। अब यहाँ पर देखिए मैंने गलती की है, गलती वो ये की है कि यहाँ पर मैंने अप्रैल 2022 का डेट लिखा है, यहाँ पर 2021 का डेट लिखा है। तो जो आप डेट लिखते हैं ना वो थोड़ा सा ध्यान में रख करके आपको डेट लिखना होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप डेट लिखते हैं तो। ठीक है, उसके आगे देखिए मैंने टाइम मेंशन कर दिया है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक जो है वो पावर कट देखने को मिलेगा ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, यानी कि जो है सो कि असुविधा के लिए खेद है। यानी कि भाई अगर हिंदी में मैं बताऊं तो इस तरह से होगा कि समाज के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के कारण इस डेट को दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक 4 घंटे के लिए बिजली की कटौती रहेगी, यानी बिजली को काट दिया जाएगा और असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, यानी कि ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटर इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, यानी कि असुविधा के लिए खेद है, बिजली कटेगी। उसके नीचे देखिए यहाँ लिख दिया मैंने ML वर्मा, ये आप अपना नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर कुछ दे नहीं रखा है। प्रेसिडेंट बता रखा था, प्रेसिडेंट के क्षमता के अनुसार आपको लिखना था RWA। RWA का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक नोटिस लिख करके दिखा दिया और इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में। अब हम लोग आगे आ गए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का होने वाला है आपका, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यहाँ पर क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन में कि अटेम्प्ट एनी वन
फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, ये भी 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है आपका, पहले दूसरे के ए में क्या क्वेश्चन पूछा है कि राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर, यानी कि अपनी बेटी के विवाह के समारोह के लिए एक औपचारिक जो है सो कि आपको निमंत्रण लिखना है, एक जो है सो कि इन्विटेशन लिखना है, फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है। ठीक है, तो आप या तो ये कर लीजिए, या तो नीचे एक और अथवा में यानी चॉइस में एक और क्वेश्चन दे दिया है कि ड्राफ्ट एंड इन्विटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मेघना मेनन विच सी हैज टू शेयर टू इनवाइट प्रायर वर्क कलीग्स टू द इनॉग्रल इवेंट ऑफ हर ओन इन्वेस्टमेंट जो है सो कि कंसल्टेंसी फर्म इन द एकर मॉल काज हो की कोडे केरला। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो है सो कि ये एक इनविटेशन जो है सो कि आपको बोल रहा है, कहने का मतलब यह है कि अपनी मौसी मेघना मेनन की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक निमंत्रण का एक आपको इनविटेशन जो है तैयार करना है, ड्राफ्ट करना है, और जिसे उन्हें एसर मॉल कोजी कोड केरल में अपनी स्वयं की निवेशक परामर्श फर्म यानी कि खुद की वो कंसल्टेंसी जो खोल रही है उसके एक उद्घाटन समारोह के लिए वो जो है सो कि आपको ये इनविटेशन तैयार करना है। ठीक है, उनके जो पूर्व कार्य यानी कि उससे उनके साथ जो पहले कार्य कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, जो उनके कलीग्स है उनको जो है सो कि ये चीज शेयर करना है। तो या तो चाहे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने ऊपर वाला आपके लिए क्वेश्चन करके दिखाया है ये वाला इनविटेशन। ठीक है, अब देखिए जो फॉर्मल इनविटेशन होता है या फिर आपको इनविटेशन जो लिखना होता है उसका भी एक फॉर्मेट होता है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फॉर्मल रिप्लाइज का कह लीजिए, एक्सेप्टेंस का या रिफ्यूज का कह लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेम्बर या याद रखने होते हैं जब भी आप इनविटेशन लिख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं इस टाइप का, कि एक्नॉलेज करना है आपको इनविटेशन को और बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, जो चीज आपको लिखना है उसी पे फोकस करना है। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें 50 शब्दों में आपको जो है सो कि लिखना है, यूज सिंपल लैंग्वेज यानी कि साधारण शब्दों का आपको प्रयोग करना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है लिखते हुए इनविटेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना था, यहाँ पर राइट अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर, यानी कि अपनी बेटी के लिए आपको एक फॉर्मल इनविटेशन जो है बनाना था। तो ये यहाँ पर इस तरह से मैंने करके दिखा रखा है। और ये दिखाने से पहले एक चीज और मैंने बताना भूल गया आपको, वो ये है कि जब आप ये नोटिस लिखते हैं तो ये डब्बा जरूर बनाना है आपको, ये इस टाइप का एक डब्बा देख सकते हैं, इस डब्बे का एक नंबर आपको अलग से दे देते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मेट के अंदर ही काउंट कर लिया जाता है इस डब्बे को। और ये डब्बा कब बनाना है आपको, डब्बा जो है सो कि ये बॉक्स तब बनाना है जब जो है आप अपना नोटिस पूरा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग जो हमारा ये जो लिखना था हमें फॉर्मल इन्विटेशन मैरिज फंक्शन के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे आपको तैयार करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से तैयार किया है, आप अपने हिसाब से अपना क्रिएटिविटी लगा करके तैयार कर सकते हैं। जैसे मिसिज एंड मिस्टर मैडम शर्मा, ठीक है, इस तरह से नाम लिख दिया है और कुछ बातें यहाँ पर लिख दी है। ये तैयार करने का तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरह से बनी बनाई खिचड़ी में आपको दिखा रहा हूँ जैसे आपको तैयार करना है। और फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है इन्विटेशन जो है आपको लिखते वक्त, तैयार करते वक्त। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर पूरा देखिए, एक तरह से जैसे शादी का कार्ड आता है ना, उसी तरह से आपको तैयार करना है बिल्कुल। उसमें आपका डेट होगा, टाइम होगा, वेन्यू होगा यानी कि किस जगह होने वाला है, ठीक है, और किसके सन है, किसके जो है कि डॉटर है, सारी चीजें आपको यहाँ पर करना है क्योंकि ये मैरिज फंक्शन के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से और नीचे आएंगे तो उसके बाद आपको लिख देना है RSVP मदान शर्मा, और यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख देंगे और जो है सो कि फोन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना इनविटेशन जो है वो तैयार करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसके अथवा वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, 5 मार्क्स का ये भी है हमारा। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली कि आपका नाम कृष्णा या शिवानी है और आप यहाँ के रहने वाले हैं B465 रोहिणी के, आपने जो है सो कि एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा न्यूज़पेपर के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने रिज्यूम के साथ अपना जो है CV भेजना है क्योंकि वो जो एडवर्टीजमेंट था वो सिचुएशन वैकेंट का था, यानी एक जॉब लेटर था है ये बेसिकली। आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए अपना जो रिज्यूम होता है, अपना जो CV होता है वो भेजना होता है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी जॉब के लिए ट्राई करेंगे, कोई सी भी जॉब के लिए, तो उसके लिए आपको अपना एक CV तैयार करना होता है, ज्यादातर इसको रिज्यूम बोला जाता है।
ठीक है, रिज्यूम तैयार किया जाता है। रिज्यूम के अंदर बेसिकली आपके सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो सारी चीजें मेंशन होती है। उससे क्या होता है कि आप वो रिज्यूम लेके किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वो कंपनी वाले डायरेक्ट आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, आपका रिज्यूम पढ़ते हैं, देन जो उनको कुछ थोड़ी बहुत बातें पूछनी होती है वो पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो रिज्यूम बहुत मैटर करता है। तो यही चीज यहाँ पर भी आपको करना है कि आपने एक जो है सो कि जॉब एप्लीकेशन जो है सो कि एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा जिसके अंदर सिचुएशन वैकेंट था, यानी कि एक जगह खाली थी, और उस खाली जगह को भरने के लिए आपको क्या अपना सीवी भेजना है और उनको कांटेक्ट करना है और बोलना है कि भाई मैं इस खाली जगह के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे को ले लो यार, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका जॉब एप्लीकेशन है, आप ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक लेटर ही है बेसिकली, वो जो है आपका क्या कहते हैं आपका ये एडिटर का लेटर है, तो मैं वो करके आपको दिखा रखा है। इससे पहले मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन सेम टू सेम यही वाला जॉब एप्लीकेशन जो बोर्ड एग्जाम का पेपर मैंने करवाया था उसके अंदर आपको करवा के दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है सो कि एडिटर का लेटर कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको चॉइस मिलेगा, या तो आप ये जॉब एप्लीकेशन लिख लीजिए या तो आप ये एडिटर का लेटर लिख दीजिए। तो मैं एडिटर का लेटर यहाँ पर लिख करके आपको दिखा रखा है कि कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए, इस एडिटर के लेटर वाले क्वेश्चन में क्या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू आर खुशबू या नंदलाल, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम खुशबू है, या अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम नंदलाल है। देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको नाम दे दिया है तो इसी नाम को आपको आंसर लिखते वक्त इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अ स्टूडेंट ऑफ भारती पब्लिक स्कूल क्लास 12, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विथ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि आपका नाम खुशबू या नंदलाल है और यहाँ पर बात की जा रही है कि आप जो है भारती पब्लिक स्कूल कक्षा 12वीं के छात्र या छात्रा है, ठीक है। आज के समय में ना बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को या छात्रों को, इस कॉम्पिटिटिव माहौल में, यानी कि कॉम्पिटिशन वाले माहौल में, प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण में, ठीक है। उसके आगे देखिए क्या बता रखा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट एंड सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स टू कॉम्बैट इट, यानी कि छात्रों के बढ़ते तनाव पर प्रकाश डालते हुए संपादक को आपको पत्र लिखना है और इससे निपटने के उपाय भी आपको सुझाने हैं कि कैसे इससे लड़ा जा सकता है, एक तरह से कॉम्बैट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज आपको बताना है। तो देखिए, आंसर आपको कैसे लिखना है मैंने आपको पूरा बता रखा है। इसी फॉर्मेट में आपको एडिटर का लेटर लिखना होता है, चाहे किसी भी टाइप का एडिटर का लेटर आपका आ जाए, ठीक है। तो देखिए, मैंने स्कूल का नाम लिख दिया यहाँ पर, भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली। यहाँ पर डेट मैंने अपने हिसाब से मेंशन कर दिया क्योंकि उसके अंदर कोई डेट नहीं दिया गया, तो मैंने 19 अक्टूबर 2022 लिख दिया क्योंकि इसी दिन आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है क्लास 12th का 2022 के लिए। अब नीचे यहाँ पे आएंगे तो द एडिटर, अब किसको मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ द टाइम्स ऑफ इंडिया को। आप किसी भी एक अच्छे एडिटर को लिख सकते हैं, मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली 11002, ये पिन कोड है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या था हमारा, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के बढ़ते तनाव की समस्या, तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे सर, और उसके नीचे सर या मैडम जो भी हो आपका, सर लिखने के बाद और मैडम लिखने के बाद नीचे आएंगे तो अब हमारा जो बेसिक जो एक फॉर्मेट होता है वो स्टार्ट हो जाता है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड जो है सो कि न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। तो ये इसमें से कुछ जो लाइनें हैं ना, जैसे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम, ये वाली यहाँ तक जो लाइन है ना, आपको ये हर एक आपको एडिटर के लेटर में चेप देना है, यानी कि लिख देना है, क्योंकि ये फॉर्मेट का ही एक पार्ट है, ठीक है। और एडिटर का लेटर हम किस लिए लिखते हैं, एक किसी भी रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, यानी कि कोई भी रिस्पेक्टेड जो न्यूज़पेपर होता है उसमें छप जाए हमारा ये लेटर, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, या कोई सा भी अखबार हो, ठीक है, तो उसके लिए लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आपके सम्मानित समाचार पत्र के कॉलम के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करना चाहता हूँ, अत्यधिक तनाव के कारण छात्रों में बढ़ते तनाव की समस्या पर विचार प्रतिस्पर्धी वातावरण में, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आजकल के टाइम भी इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। मैं भी देखता हूँ ना कि छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस लेने लग जाते हैं यार, 5वीं 6वीं के बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, आप कभी देखिएगा आप, तो हालांकि आज अभी 12th क्लास में हो आप, ठीक है,
किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ले लीजिए आप, कोई भी प्राइवेट स्कूल का 5वीं या 6ठी का बच्चा हो, ठीक है, उसको देखते हैं ना, उसको स्ट्रेस रहता है कि यार मैंने होमवर्क नहीं किया, अब टीचर मेरे को मारेगा। और आप ये सोच रहे होंगे ये तो कॉमन सी स्ट्रेस है, हमारे टाइम में भी थी, लेकिन आज के टाइम के बच्चों का ना स्ट्रेस लेवल हाई होता है, ठीक है। वो बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिलते हैं ना कि सुसाइड तक कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ऐसे चीजें भी सामने आती है। तो सोचिए स्ट्रेस का लेवल क्या होगा जो बच्चा ऐसे स्टेप्स उठा सकता है अपनी लाइफ में। इतना छोटा सा बच्चा, 6ठी का बच्चा कितना बड़ा ही होता है यार, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, और इतना ज्यादा चीजें कर पाते हैं वो, तो स्ट्रेस का लेवल क्या हो सकता है। लेकिन ये भी चीज है ना कि आज का जो टाइम है ना वो डिजिटल टाइम है, यानी कि पबजी फ्री फायर ये सब खेलने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव माहौल है आज के टाइम पे, ठीक है। तो ये इस कारण से भी आज के टाइम पे बच्चों के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि आज का जो हमारा संसार है, आज की जो दुनिया है, पूरी कॉम्पिटिशन से भरी हुई है। और उस हिसाब से आप अपने शब्दों में जो भी चीजें लिख पाते हैं वो लिख दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी आप लेटर लिखते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें बोलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो इजीली आप पढ़ सके और नंबर आपको दे सके। तो इस तरह से कुछ बातें मैंने लिख रखी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस हिसाब से आपको अपना लेटर लिखना है बच्चों। और उसके नीचे अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि योर सिंसियरली, यानी कि सादर खुशबू या नंदलाल। अगर आप लड़के हैं तो आप नंदलाल लिखेंगे अपना नाम, और अगर आप लड़की हैं तो आप अपना नाम खुशबू लिखेंगे। तो इस हिसाब से आपको अपना ये क्वेश्चन जो है वो अटेंड करना था। सेम टू सेम यही पैटर्न आपका फॉलो होने वाला है आपके मिड टर्म के एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए। देखो बच्चों, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे ना उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा दबा के लाइक करो, और एक अच्छा सा कमेंट भी किया कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो हमारा, क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर भी आपको दो क्वेश्चन दे दिया है ए बी करके, इस तरह से पार्ट वाइज बांट दिया है, और इसमें से कोई एक आपको करना है। तो इसके ए में क्या है, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल दे दिया है, चाहे तो आप ये वाला आर्टिकल लिख सकते हैं, और इसके अथवा में, इसके चॉइस में आप देखेंगे तो आपको एक दे दिया है रिपोर्ट लिखने के लिए। या तो आप ऊपर वाला आर्टिकल लिख लीजिए, या इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है रिपोर्ट वो लिख लीजिए। तो मैंने आपके लिए रिपोर्ट करके दिखाया है। इससे पहले जो मैंने बोर्ड का पेपर बनाया था सैंपल पेपर, उसके अंदर आपको मैंने आर्टिकल लिख के दिखाया है कि आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको उसको देखना है तो देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा बोर्ड का पेपर, तो जब ये वीडियो खत्म होगा वहां पर भी आपको शो कर जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन क्लीनिनेस ड्राइव रिसेंटली हेल्ड इन योर स्कूल, ठीक है। यानी कि हाल ही में आपके विद्यालय में आयोजित किया गया स्वच्छता अभियान पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है, बच्चों वाला फॉर्मेट होता है। इसमें बिल्कुल आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको टाइटल लिख देना है कि किसके ऊपर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, और बाय करके अपना नाम लिख देना है, जैसे कोई भी आपका नाम हो। जैसे आप, अगर आप लड़के हो तो लड़का, आपने लड़कों वाला एक नाम यूज कर सकते हैं, लड़की है तो आप अपना लड़की वाला एक नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नाम या डेट या टाइम दे रखा है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, जैसे अभी यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन क्लीनलीनेस ड्राइव रिसेंटली हेल्ड इन योर स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, इसमें ना तो नाम दिया, ना तो डेट दिया, ना तो कुछ इस तरह से दिया, ठीक है। तो आपको नाम अपने हिसाब से सोच करके लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए टाइटल मैंने लिख दिया है रिपोर्ट ऑन क्लीनिनेस ड्राइव, यानी कि स्वच्छता अभियान पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। बाय नेहा हेड गर्ल, या फिर आप अपना लड़कों वाला नाम यूज कर सकते हैं, जैसे मेरा नाम जयप्रकाश है तो मैं यूज कर सकता हूँ बाय जयप्रकाश हेड बॉय, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये है, उसके नीचे चलेंगे तो अपना रिपोर्ट लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया सर्वोदय के कन्या विद्यालय मंजलिस पार्क, ठीक है, undertook a cleanliness drive during the month of April 2022 in accordance with Clean India campaign, ठीक है। तो इस तरह से करके आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट आपको लिखना है, ताकि आपको जो है ये जो नंबर है हमारा बेसिकली, ये भी हमारा चौथा क्वेश्चन, मैं एक बार देख लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड, हाँ 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 मार्क्स का आपका ये आएगा, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है
अपने शब्दों की सीमा का ध्यान रखिएगा कि कितने वर्ड्स के अंदर आप आंसर लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें मैंने लिख करके दिखा दी है। कुछ शब्द भी मैंने आपको बता दिया कि सर्वोदय कन्या विद्यालय मजलिस पार्क ने स्वच्छता अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान है उसके तहत अप्रैल 2022 में स्वच्छता अभियान चलाया था, और स्कूल ने कई गतिविधियां यानी कई सारी एक्टिविटी भी करवाए हैं, ठीक है, जैसे कि डिबेट वगैरह, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये सारी चीजें भी करवाई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना रिपोर्ट लिखना है बच्चों, ये आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ की लास्ट की लाइनें भी आप देख सकते हैं कि इट मेड द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डायनेस्टी फॉर इस तरह से लेबर करके, यानी कि इसमें छात्रों को श्रम की गरिमा के बारे में जागरूकता किया जाता है या जागरूक किया जाता है, यानी कि जो एक तरह से जागरूक करना है, कह लीजिए श्रम मेहनत कैसे किया जा सकता है इन चीजों पर, तो इसका मतलब ये भी है, मतलब ये जो ओवरऑल ये एक्टिविटी करवाई गई है तो उसका एक काम ये भी था कि ओवरऑल स्टूडेंट्स अवेयर हो सके, ठीक है। कैसे अवेयर हो सके, वो अपनी गरिमा को, अपनी इंपॉर्टेंस को समझ सके कि कैसे हमें चीजों को ठीक करना है, कैसे ये मतलब साफ सफाई बनाए रखना है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइजीन का ध्यान रखना है, ठीक है, सैनिटाइजेशन वगैरह का, ये सारी चीजें ध्यान रखी गई थी। तो इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये रिपोर्ट। बस यही पर हमारा जो सेक्शन बी था वो समाप्त होता है। अब हम लोग अगला जो पार्ट लाएंगे उसके अंदर सेक्शन सी लाएंगे, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है। उसके लिए वेट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट इसका पार्ट लाऊंगा, पार्ट टू, जिसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन सी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन सी होता क्या है, सेक्शन सी के अंदर आपसे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको देना होगा। इसमें पोएम होगा आपका, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो सारे होंगे, तो वो सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन पेपर का जो हमारा जो सेक्शन ए था उसका पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, और जो सेक्शन बी था वो कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। जितना मैं करवा सकता था आपको मैंने करवा दिया, इससे पहले भी मैंने आपको सैंपल पेपर्स करवा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। आज के लिए इतने ही बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर आप नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। इसका जो पार्ट टू वाला वीडियो होगा उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, बहुत जल्दी जैसे ही पार्ट टू बन जाएगा वो मैं अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही वहां पर आपको शो कर जाएगा। फिलहाल के लिए आप पार्ट वन देख करके काम चला लीजिए, और जैसे ही पार्ट टू बन जाएगा आप डिस्क्रिप्शन जैसे ही खोलेंगे वहां पर आपको शो कर जाएगा, जैसे ही इसका पार्ट टू बन जाता है वैसे ही, ठीक है। और हाँ, इससे पहले मैंने आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया और उसके साथ साथ आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, इनके सैंपल पेपर बना दिए हैं मिड टर्म के लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उनकी वीडियोस भी जरूर देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि पहला जो आपका पेपर होने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। आज के लिए इतने बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।